गाइस, आपको पता है मैं अभी कहाँ हूँ? मैं अभी कलमबोली में हूँ। तो ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग इधर आ गए हैं, तो मुझे इधर से कार्गो जींस लेना है। तो अभी हम लोग मार्केट की तरफ चल दिए हैं, तो और मम्मी और मैं। मार्केट पहुँचते ही हमें पर्स दिखे एकदम सुंदर, और चूड़ियाँ और नेकलेस की शॉप, ड्रेसेस की शॉप और बहुत सारे साड़ी की शॉप। हम लोग ऐसे ही देखते देखते चल दिए हैं। तो सो आगे दुकान है तो उधर ही से लेना है मुझे, तब हम लोग चल दिए हैं। और इधर बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं भी थी, तो उनकी भी वीडियो मैंने बना ली। तो मम्मी के लिए पहले ड्रेस लेने वाले हैं, तो मम्मी पहले चूज़ करेगी कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा ड्रेस के लिए। और मुझे स्लीपर भी लेने थी, तो हम लोग चप्पल की शॉप पे आ गए स्लीपर लेने के लिए। और इधर हमारा शोरूम है जहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, बर्तन वगैरह वगैरह, गैसेस, कप, ये सब। तो इधर हम लोग पूछना आए थे कि गैस कितने का है। तो नकली बाल होते हैं ना लगाने वाले, जो जूड़ा पे लगाते, तो मम्मी ने वो ख़रीदा। और इधर दुपट्टे देख रहे थे मम्मी के सूट के ऊपर कौन अच्छा लगेगा, ब्लू कलर का चाहिए था तो हमने ब्लू कलर का लिया। फिर इधर बहुत सारी चीज़ें दे तो वो भी ले ली हमने वीडियो में। और चप्पलें छोटे बच्चों की, तो गुड़ी पड़वा है तो इसके लिए कुछ मिठाइयाँ जैसी कुछ तो मिल रही हैं यहाँ पे। और पूजा के लिए फूल मालाएं भी बिक रही थी यहाँ, और नीम की पत्तियाँ थी, पता नहीं क्यों पूजा में शायद यूज़ होती होंगी। और गुलाब का फूल बहुत सुंदर था तो हमने ये भी ले लिया। और फिर मैंने भेल लिया, सोचा कि भेल खा लिया जाए। और उधर ही पार्क था तो बाजू में हम लोग उधर निकल पड़े हैं पार्क की तरफ। तो पार्क के अंदर अभी ये पार्क में टिकट नहीं लगती है, मतलब फ्री का पार्क है। बच्चे आते हैं इधर, खेलते हैं कूदते हैं सब लोग। सब बच्चों की फैमिली आके ऐसे बैठी, ऐसा लग रहा था हम भी बैठ गए घास पे। घास बहुत नरम थी ना, तो एकदम अच्छा लग रहा था उधर चलना। अलग बोली है, चलो मम्मी थोड़ा गार्डन में ले चलो, तो यही आके बैठे हैं, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। अब अफ्तारी तो इधर ही करेंगे, बोले रुक जाओ अफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो मार्केट में चलेंगे, तब थोड़ा जूस वूस पिएंगे तो जान आएगा। अगर देखिए बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वही लेना था, फलक को चप्पल और कार्गो। और मेरे को भी चप्पल था तो फलक को पसंद आ गया, मेरे को नहीं आया। कार्गो भी ली, मजूरों पे लगाने वाला भी ली अपने लिए, वो कपड़ा और था लेना मेरे को मीटर वाला सिलाने के लिए, वो भी ले ली। ले ओके, और वही इधर देखो बैठे हैं हम लोग, ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन में सब बैठे हैं। ईद की शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग इधर आए थे, इसलिए बहुत भीड़ थी इधर। और गुड़ी पाड़वा भी आ रहा है तो उसके लिए भी भीड़ लगी हुई है, और चूड़ी भी थी इधर। देखो हम चप्पल वाली शॉप पे आ चुके हैं, मुझे वो चप्पल बहुत पसंद आई तो मैंने ये वाली खरीद ली। मार्केट से आ चुके हैं और मार्केट में बहुत भीड़ था, बहुत गर्दी, दिखा नहीं पाए। ये फलक का देखिए कार्गो पैंट है, और ये मेरे को अच्छा लग गया। फलक तो नहीं बोलती है लेने के लिए कुछ भी, मैं देखो फलक के लिए ये लेके आया हूँ। धागा का बहुत चला है मार्केट में, इस पे गरारा है देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसको यही पसंद आया है ब्लू कलर का। और ये देखिए दुपट्टा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन तो ये सेवई है, देखिए बारीक वाला सेवई इधर कहीं नहीं मिलता, इसके लिए गए थे 200 रुपये किलो मिला है, ये लेके आए। और फिराक लेके आए थे तो उस पर पलाजो दुपट्टा नहीं था, तो ये लेके आए हैं अपने लिए। और ये क्लेचअप है, ये 100 रुपये का मिला है दोस्तों, 1 रुपया भी कम नहीं। मार्केट में बहुत नया निकला है ईद के टाइम में, बहुत अच्छा लग रहा है लगाने पे, बहुत सुंदर लगेगा, तो ये लेके आई अपने लिए। देखिए ये स्लीपर फलक पसंद करिए, नया निकला है, अच्छा लग रहा है। और मेरा तो आप लोगों को मालूम है एड़ी में दर्द रहता है, तो ये 300 का मैं एकदम सॉफ्ट वाला लेके आई अपने लिए। देखिए हम लोग थक के आए हैं, सोचे हैं क्या बनाए, यम्मी यम्मी यही थाली बनाए हैं, अंडा का है, अंडा करी इसको बोलते हैं। और इधर देखिए फलक को भी आज दिए हैं, फलक तो खाती नहीं है, क्या मालूम खाएगी कि नहीं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रेवी देखिए बना हुआ है, और देखिए इसमें चपाती है, चल रही है हमारी फलक खाने। देखिए ये फलक के पापा का टी शर्ट है, ये फलक के पापा का पसंद का है, ये मेरे पसंद का है, आप लोगों तो मालूम है मैं ही सब सिलाती हूँ। और पैंट देखिए दोनों मेरे पसंद का है, उनको भी पसंद है, दो पैंट भी सिलाए उनके लिए। और ये लड़का कुर्ता पैजामा लेके आया है अपने लिए।